गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस सैटरडे जो हम एक्टिविटी करेंगे वो है फ्लावर पॉट। इसके लिए हमने ये देखिए पिंक, येलो और ऑरेंज कलर लिया है फ्लावर्स बनाने के लिए। आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं फ्लावर्स बनाने के लिए। और फ्लावर्स का जो बुके है उसको बनाने के लिए हमने नीचे हमने ग्रीन कलर यूज़ किया है। ये देखिए सबसे पहले हम जो हमारा ग्रीन कलर है इसको पूरे वाले जो पेज है इसके हमने हाफ पोर्शन में इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये हमने फोल्ड कर लिया है, लेकिन इसको हम सेंटर से कट नहीं करेंगे बल्कि इसके यहाँ पे चाहे आप पेंसिल से यहाँ पे सीधी सीधी लाइन्स हम पूरे पोर्शन में ड्रॉ कर सकते हैं या आप सीजर की हेल्प से सीधा ही इस पोर्शन को हम कट कर देंगे इस तरह। इसको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस से कट कर सकते हैं। अगर बच्चे कट कर रहे हैं तो हम पहले पेंसिल से एक निशान लगा लेंगे हमारे स्केल की हेल्प से ताकि ये एकदम स्ट्रेट कट सके। ये देखिए इस तरह से इस पूरे पोर्शन को हम कट कर लेंगे। ये ध्यान रखिए कि जो हमने कट किया है वो बस यहाँ तक है। ये जो नीचे वाला इतना पोर्शन है इसको हमने कट नहीं किया। हाफ से ज्यादा पोर्शन को हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने पूरे पोर्शन को इस तरह से कट कर लिया हमारे सेंटर पोर्शन को, लेकिन जो हम खोलेंगे तो ये जो हमारे दोनों पार्ट हैं ये हमारे कट नहीं हुए। इसको हम अभी ये देखिए हमने ऑपोजिट साइड फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो हमारा ये पोर्शन है नीचे वाला ये देखिए इसके एक कॉर्नर पे हम ग्लू लगा लेंगे। ये देखिए मैंने एक पूरी पोर्शन पे ग्लू लगा लिया। अब इसको हम जो हमने फोल्ड किया था इसको हम धीरे धीरे इस तरह से अंदर की तरफ जहाँ पे हमने ग्लू लगाया इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये जब हम इसे ग्लू से यहाँ पे पूरा पेस्ट कर लेंगे और जो लास्ट वाला भाग है ये देखिए हमारा ये फ्लावर पॉट तैयार हो गया। इसमें हम अभी देखिए ये वाला जो है इसे हम इस तरह से फैला सकते हैं। कितना सुंदर ग्रीन कलर का ये हमारा फ्लावर पॉट बन गया। इसको आप इस तरह से कड़ा कर सकते हैं। इसके बाद फ्लावर्स बनाने के लिए हमने ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर लिया है इसको एक मैंने रेक्टेंगल शेप काटा है। इसको हम ये देखिए मैंने डबल ले लिया। इसमें हम कोई भी फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फ्लावर ड्रॉ किए अभी हमने जब दो पोर्शन किया है तो हम जब फ्लावर काटेंगे तो दो एक साथ फ्लावर्स कट जाएंगे। इसी तरह आप 5-6 फ्लावर्स भी एक तरह से एक साथ काट सकते हैं। ये देखिए
सेम इसी तरह से अभी हम यहाँ पे देखिए हमने दो छोटे सर्कल कट कर लिए। और इस सर्कल्स को हम जो हमने ये दो फ्लावर्स कट किए हैं इसके सेंटर में लगा लिए। इनके सेंटर में हम ये लगाएंगे तो देखो कितने सुंदर हमारे ऑरेंज कलर के फ्लावर्स बन गए। इसी तरह हम किसी भी कलर के फ्लावर्स कट कर सकते हैं। और ये जो हमने ग्रीन कलर का ये देखिए बुके बनाया है इसके सेंटर में आप कहीं पे भी इसे पेस्ट करिए। ये इसके टॉप पे कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स पे कर सकते हैं। इसी तरह मैंने ये देखिए येलो रेड कलर के फ्लावर्स भी बना के रखे और ये सारे फ्लावर्स हम हमारे पूरे बुके में लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके मिड में हर जगह मैंने ग्लू लगाई है। अब हम बस ये फ्लावर्स को इस ग्लू के साथ फिक्स कर देंगे। ये देखिए रेड कलर है, कोई भी आपके कलर जो आपका फेवरेट कलर है वो आप इसमें लगा सकते हैं। मिड में लगा लीजिए। देखिए कितना इजीली हमने ये फ्लावर पॉट बनाया है, इसको यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। हमारा कितना सुंदर फ्लावर पॉट बन गया, इसको आप जरूर ट्राई कीजिए, आप इस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू।